आवाज को आने वाले समय में विधानसभा के अंदर उठाएंगे और आपकी आवाज को बुलंदी के साथ जो है एक सोच के साथ एक लक्ष्य के साथ आपकी आवाज को उठाने का पूरे तरीके से प्रयास करेंगे। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते जो साथी यहाँ पे उपस्थित हैं और NSUI के साथ साथ सभी जो स्टूडेंट्स वर्ग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आज यहाँ पे कोई राजनीतिक विषय से या कोई पॉलिटिसाइजेशन करने आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आप सब जानते हैं हमने हमेशा सही का साथ देने का प्रयास किया है। We've always believed in कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। अगर कोई बात गलत है उसका विरोध किया है। देश यूनिवर्सिटी में हमारे जो NSUI द्वारा और NSUI के साथ साथ सभी जो युवा छात्र संगठन हैं स्टूडेंट्स के, उन्होंने जो एक तरफी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो करवाई जा रही है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें उनके सपोर्ट में इन सॉलिडैरिटी हम उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को हम कतई ही दबने नहीं देंगे। आपकी आवाज़ को हम सरकार के समक्ष रखेंगे, आपकी आवाज़ को हम विधानसभा के अंदर रखेंगे और जिस तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का जो टेस्ट यहाँ पे पहले बुलाए गए स्टूडेंट से यहाँ पे 700 रुपए लिए गए, बाद में वो एडमिशन करवाने से और टेस्ट करवाने से जो है यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। आज हमें बताया गया है कि MBA के और लॉ की जो है टेस्ट हो रहे हैं मगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये नहीं करवाया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। निश्चित तौर से एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का है, वाइस चांसलर है और जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनको इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और जैसा हमने पहले भी कहा, ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीति के लिए हम यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो हाई हैंडेडनेस यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ की गई, जिस तरीके से उनको जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया, उनको यहाँ पे पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको खींच खींच कर जो है उनके ऊपर डंडे मारे गए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये तानाशाही तरीका जो है यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, वाइस चांसलर है, उनको उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। करना ना करना बात की बात है, वो प्रेरोगेटिव यूनिवर्सिटी का है, उस पर भी हम जो है एतराज़ जताते हैं मगर अपनी बात को ना रखने देना और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर से इस आवाज़ को हम आने वाले समय में सरकार के समक्ष उठाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ पे NSUI तो हमारे साथ है ही है मगर हम और जो पॉलिटिकल और यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि राइजिंग अबव पॉलिटिकल लाइंस एंड राइजिंग अबव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम सबको स्टूडेंट इंटरेस्ट में यहाँ पे इकट्ठा होने की आवश्यकता है और आपकी आवाज़ को हम मिलकर जो है वो विधानसभा में उठाएंगे, सरकार के समक्ष उठाएंगे और जो ये जो चीज़ यहाँ पे जो ये निर्णय लिया गया है इसको रोल बैक करने पे जो है यूनिवर्सिटी को मजबूर किया जाएगा। आपने अपनी स्पीच में भी कहा आपका यहाँ रहना राजनीतिक मसला तो बन ही जाता है, आपने ये कहा कि यहाँ पर जो है ये RSS का अखाड़ा हो गया है, आपने इनकॉम्पिटेंसी की बात की, अयोग्य लोग जो ऐसी यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। निश्चित तौर से जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, हमने ये कोशिश करी जो हमारे चांसलर्स आए, वाइस चांसलर्स आए, दे शुड बी ऑफ सम रिप्यूट, एजुकेशनल रिप्यूट, जो पूरे देश से जिनको बुलाया जाता था। आज जो क्वालिफिकेशन आपके चांसलर्स के लिए, वाइस चांसलर्स के लिए रखी जा रही है, दैट इज़ दी प्रॉक्सिमिटी टू नागपुर एंड नाभा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और निश्चित तौर से इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं उसकी वजह से जो भविष्य युवाओं का है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है।
अगर आरएसएस वाले ये समझते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं को है और बाकी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए, इस तरीके की मानसिकता से जो आज यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रस्त है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से इसके खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ ये जो मेजोरिटेरियन व्यू आज हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, एक पॉपुलिस्ट व्यू हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, इसको प्रदेश का युवा, प्रदेश का जो पढ़ा लिखा नौजवान हमारे छात्र छात्राएं हैं, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, निश्चित तौर से हम सब उनसे मिलेंगे और इस मुद्दे को उनके समक्ष रखेंगे और आशा करेंगे कि वो हमारी आवाज़ को सुने और सरकार के समक्ष इसको रखे और खुद जो एज अ वाइस चांसलर ऑल्सो उस पर एक्शन ले और युवाओं को जो है रिलीफ इस मुद्दे पर दे। मेरा तमाम साथियों से